एक श्लोक मिलता है महाराज जी धर्मशास्त्र में, पंचांग में भी लिखा रहता है, उषा प्रशस्यते गर्गः शकुनंच बृहस्पति अंगिराणाम अंगिरातु मनोत्साह विप्रवाक्यम जनार्दन। यात्रा के लिए भी है, गर्गाचार्य जी का मत है कि आपको कहीं जाना है तो उषा काल में आप चले जाओ, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। बृहस्पति जी का मत है कि अच्छे शकुन हो रहे हो फिर ज्यादा मुहूर्त के पीछे मत पड़ो, अच्छे शकुन हो रहे हैं तो शुभ संकेत है, चल पड़ो। शकुन अंच बृहस्पति ही। और अंगिरा जी का मत है कि मन खूब आनंद उत्साह से भरा हो, चल पड़ो राम जी का नाम लेके। भगवान से पूछा कि आप भी अपना मत दीजिए, बोले हम अपना मत नहीं देते हैं। विप्रवाक्यम जनार्दनः, भगवान बोले ब्राह्मण कह दे तब चलो, और ब्राह्मण बिना पत्रा देखे बोले गई नहीं। वो तो एक बार भाई ब्राह्मण से पूछोगे तो ब्राह्मण प्रामाणिक है, और वो प्रामाणिक ब्राह्मण बिना शास्त्र के कैसे बताएगा। इसलिए भगवान कहते भाई ज्योतिष शास्त्र है, किसी दैवज्ञ ब्राह्मण से पूछो कि हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं, हमें जाना चाहिए कि नहीं, वो कह दें तो आप चले जाओ। मुहूर्त का बड़ा भारी प्रभाव होता है, बहुत भारी प्रभाव होता है मुहूर्त का। वाल्मीकि रामायण में एक संकेत है, गृद्धराज जटायु ने कहा भगवान श्री राम से कि प्रभो रावण अपने कुल खानदान के सहित मारा जाएगा, आपको विजय मिल जाएगी, जानकी जी मिल जाएंगी। ये भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता बोलो। तो जटायु कह रहे हैं कि रावण ने विंद नामक अशुभ मुहूर्त में जानकी का हरण किया है, और उसका फलस फलादेश यही है कि इस अशुद्ध मुहूर्त में काम करने वाला व्यक्ति वो नष्ट हो जाता है अपने कुल खानदान के सहित। आप विचार करो, चोरी जैसा काम भी मुहूर्त से, अब चोरी ही तो की जानकी जी की। हमारे यहां खेत बोने का भी मुहूर्त होता है, बीज बपन का मुहूर्त, हल चलाने का मुहूर्त, और पुराने किसान वे मुहूर्त के अनुसार कृषि करते थे तो किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ी। मुगल काल में, अंग्रेजी शासन काल में बड़ी बड़ी लगान चुकाने के बाद भी किसानों ने धैर्य नहीं खोया, वे आत्महत्या जैसा जघन्य पाप उन्होंने नहीं किया। और आज किसको पता है मुहूर्त का, सब कार्य मुहूर्त से ही करना चाहिए। एक नैमिषारण्य के शास्त्री जी थे, सीतापुर जिले के, वैसे रहते तो खीरी लखीमपुर, खीरी लखीमपुर है ना, वहां भी रहते थे। बड़े महात्माई थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से बड़ी निकटता से जुड़े थे, बड़े तितिक्षु थे, बहुत भजनानंदी थे, और बहुत अच्छे विद्वान थे, ज्योतिष के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। यद्यपि वो पहले तो ज्योतिष का कार्य करते थे, बाद में जब वानप्रस्थी जैसे हो गए तो सब काम छोड़ दिए थे, ज्योतिष का काम भी नहीं करते थे और कर्मकांड भी नहीं कराते थे, केवल भजन करते थे और बड़ी तितिक्षा से रहते थे। और महाराज जी से बड़ा स्नेह था उनका, बहुत श्रद्धा थी महाराज जी के प्रति। महाराज जी उसमें विराज रहे थे, हमने महाराज जी से कहा महाराज जी मलुक पीठ में
थोड़ा सा कुछ कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो आप आज्ञा करें कब शुरू करें। महाराज जी बोले, हम ज्योतिष पढ़े नहीं हैं, सौभाग्य से शास्त्री जी उपस्थित हैं, शास्त्री जी ज्योतिष के विद्वान हैं, इनसे पूछ लो। तो हमने कहा महाराज जी आप कह दिए। बोले नहीं, तुम कहोगे तो भी तो वो मानेंगे, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा महाराज जी से हमने पूछा था, तो महाराज जी ने कहा कि मुहूर्त आप बता दीजिए। तो उन्होंने कोई चक्र वक्र बनाया और मुहूर्त का शोधन किया, विचार किया, और मुहूर्त का शोधन करके बोले कि ये कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी आएगी, और महीना वही चल रहा था कार्तिक का ही, आप यहाँ बाहर जाते भी नहीं कार्तिक में, तो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को आप शिलान्यास कर दो। अरे हमने कहा इतने जल्दी थोड़ी, इतने जल्दी का मुहूर्त थोड़ी पूछा आपसे, व्यवस्था है ही नहीं, कर्ज ऊपर से चढ़ा हुआ है, उसमें 5.5 लाख का कर्ज था हमारे ऊपर व्यक्तिगत, ये कर्ज ऊपर से चढ़ा है, निर्माण की व्यवस्था जुटी नहीं, आप तो खूब जल्दी नहीं है हमको, आप तो 4-6-10 महीने वाला मुहूर्त बताइए, आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम लंबा मुहूर्त देखते। अब हमने इतने विचार पूर्वक मुहूर्त निकाला है, कुछ भी हो आप तो महाराज जी के हाथ से 5 ईंट रखवा दो, कोई व्यवस्था न हो न होने दो। लेकिन अब मुहूर्त हमने जो निकाला है इसको टालो मत, आप महाराज जी के हाथ से 5 ईंट रखवा दो। हमने कहा कि शास्त्री जी व्यवस्था नहीं है, तो वो हंसने लगे, बोले आप चमत्कार देखना ज्योतिष शास्त्र का, जो मुहूर्त हमने निकाला है इसमें आप शिलान्यास करवाइए गुरुदेव के हाथ से, आप जब तक जीवित रहोगे कन्नी रुकेगी नहीं, सब जगह कुछ न कुछ निर्माण चलता रहेगा, हमको तो बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है, आप कहते व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी बात बता दी थी, हमने यही सोचा कि उत्साह दिला रहे हैं, तो हमने कहा महाराज जी शास्त्री जी तो कहते हैं। बोले ठीक है, या तो ब्राह्मण से पूछो मत, और पूछो तो फिर उसकी बात मानो। उनका ठीक है। तो ये हमारे मोहनदास जी जानते हैं, तुलसीदास जी महाराज से कहा, छावनी वाले महाराज जी के शिष्य श्री तुलसीदास जी थे, उनसे कहा कि वो जानते थे, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़े थे, तो हमने उनसे कहा कि आप बना दीजिए नक्शा। नक्शा तो उन्होंने बनाया, पर उनके नक्शे से निर्माण नहीं हुआ। वो कहते थे हम खड़े होके सब निर्माण कराएंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहले 10 लाख रुपए हमको दो, तब काम शुरू होगा। उनको नहीं चाहिए था पैसा, माने 10 लाख रुपया हो तो काम शुरू करो। तो नक्शा तो रख लिया, कच्चा नक्शा उनका, पर उनको फिर हमने कहा ही नहीं दोबारा, हमने कि ना होना है ना करना है, नमस्कार है। पर आश्चर्य की बात है कि जैसे ही मुहूर्त से शिलान्यास कराया, चाहते हुए न चाहते हुए किसी न किसी प्रकार से, हम तब से देख रहे हैं, तब से लेके अब तक लगातार निर्माण कहीं बंद नहीं। अब जड़खोर तो इतनी बड़ी जगह, तो कहीं ना कहीं निर्माण चलता रहता है, उसके बाद कितना निर्माण हुआ कोई ठिकाना नहीं, आज भी कुछ न कुछ निर्माण, नहीं चाहते फिर भी शुरू चल रहा है। मुहूर्त का प्रभाव तो होता ही, ये बात देखने की है, प्रत्यक्ष है। तो उषा काल श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।